डॉक्टर अंबेडकर नगर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक सिविल लाइन के अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के कार्यों को लेकर चर्चा की गई और कमेटी के पदाधिकारी द्वारा कमेटी ने विस्तार से अपने अपने विचार रखे। दरअसल आपको बता दें, सिविल लाइन के अंबेडकर पार्क में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष रूप सिंह भारती एवं संचालन प्रांतीय कोषाध्यक्ष वंश कुमार ने किया। बैठक में सर्वप्रथम प्रांतीय कोषाध्यक्ष ने गत वर्षों का आय व्यय का लेखा प्रस्तुत किया। साथ ही अन्य बिंदु जैसे कमेटी द्वारा 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य के रूप में एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इस पर भी विचार किया गया और पदाधिकारियों से कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रूप सिंह भारती, वंश बहादुर, हरजीत सिंह दिवाकर, आदित्य सागर, विशाल जाटव, कैलाश कुमार, राधे किशन, राजेश कुमार, अर्जुन, अनिल कुमार, ब्रज नंदन, बी आर सागर, एसपी सिंह, आरपी सागर, सुभाष कुमार, विजय कुमार आदि सभी लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। जी, मैं रूप सिंह भारती, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय मुरादाबाद। आज डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक डॉक्टर अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में चल रही है। आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संगठन के जो आम चुनाव हैं वो निकट एक दो माह बाद होंगे और उसमें जो है सभी समाज के जागरूक लोगों को प्रतिभाग करना है, उसको सभी साथियों को हम आमंत्रित करने के लिए, जागरूक करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दूसरा एजेंडा हमारा यह है आज की बैठक का कि 26 नवंबर 2021 को जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी की ओर से प्रतिवर्ष प्रशासन शासन से अनुमति लेकर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस बार भी व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग संविधान दिवस को मनाने का कार्य करेंगे, जिसमें हमारे संगठन का प्रयास होगा कि बाबा साहब के द्वारा रचित भारतीय संविधान की महत्व क्या है और उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, भारत को और भारतीय को क्या दिया है भारतीय संविधान ने, उसकी महत्व को हम उस दिन जो है वक्ताओं के माध्यम से उस बात को समाज के सामने रखते हैं। तीसरा बिंदु आज की बैठक का यह है कि जिस तरीके से आज दलित समाज पर शोषण उत्पीड़न की बाढ़ सी आ गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दलित समाज की समस्याओं के निराकरण की बात नहीं करता है, बल्कि निराकरण तो बहुत दूर की बात है, बल्कि दलित समाज के लोगों पर जब शोषण उत्पीड़न होता है तो उनकी प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की जाती है। थानों में जाते हैं तो उल्टा पीड़ित को ही परेशान किया जाता है, पुलिस पीड़ित को परेशान करती है, उसको हवालात में डाल देती है और व्यापक स्तर पर शोषण उत्पीड़न किया जाता है। तो क्या निर्णय लिया गया बैठक में? निर्णय ये लिया गया है कि हम लोग जो है इस तरीके से हम अपने समाज को जागरूक करेंगे, संगठित करेंगे कि जो शोषण उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और व्यापक स्तर पर इस चीजों का सबका उसका विरोध करेंगे, ताकि हम अपने समाज को व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर न्याय सुलभ करा सकें।